हेलो गाइस, मेक यू जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मूला टैब में एवरेज फंक्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो आर प्रेस करेंगे। रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल EXEL। ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे, हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। तो हमने पहले से ही एक्सेल को ओपन कर रखा है। देख सकते हैं हमारा कुछ ये डाटा पहले से ही हमने फीड कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला टैब है, इसके अंदर ये रहा इंसर्ट फंक्शन, इसको हमने ओपन किया। तो देख सकते हैं सम फॉर्मूला के बारे में हमने सभी सीरीज बता दी हमने। अब हम आपको एवरेज फंक्शन के बारे में बताएंगे। एवरेज फंक्शन क्या होता है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे। हमने कुछ नंबर टाइप कर रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5, इनको हम पहले ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इजुकल टू सम टैब का प्रयोग करेंगे और हम इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और देख सकते हैं हमने ड्रैग करके ए कॉलम से लेके सी कॉलम तक हमने ड्रैग किया। A1 कॉलम साइंस C1 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। तो देख सकते हैं हमारा 12 वैल्यू निकल के आया है इसका सम। अब हमें इसका एवरेज निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, इजुगल टू हमें 12 हमारी कितने कॉलम है, 3, 1, 2, 3, तो डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे स्लैश और हम 3 टाइप करेंगे कीबोर्ड में, एंटर प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा 4 वैल्यू निकल के आया है। तो ये हमारा 4 एवरेज निकल के आया है 4। अब हम एक्सेल के माध्यम से बताएंगे, तो देख सकते हैं ये हमारा कुछ नाम लिखे हुए हैं और ये हमारे मार्कशीट के नाम है स्टूडेंट के। तो हम क्या करेंगे, इजुकल टू देख सकते हैं एवरेज AVERAGE कैसे हमने टाइप किया। तो देख सकते हैं पहला फंक्शन हमारा यहाँ शो हो गया है। हम टैब प्रयोग करेंगे तो देख सकते हैं ओपन हो गया है, शो हो गया है। हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर इस जगह हम ये लिखा है नंबर 1, तो हम क्या करेंगे G2। तो देख सकते हैं G यहां से लेकर के G2 से लेकर के और J2 देख सकते हैं हमने सिलेक्ट किया G2 से लेकर के J2 और हम इसको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हम कीबोर्ड एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं हमारा ये परसेंट अमन का परसेंट निकल के आ गया है सभी सब्जेक्ट का 79.25। अगर हमें इसका निकालना है, पूरे का निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको हमने यहां पर हमने रखा दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम रेंज में लेंगे। ये तो हमने इधर ले लिया, अमन का केवल निकाला है। हम इजुगल टू
इसकी दूसरी सौगंध है, दे सकते हैं ऑल्ट के साथ प्लस एम प्लस यू प्लस ए, तो दे सकते हैं हमारा एवरेज शो हो गया है फॉर्मूला। और ये जी कॉलम जी टू दे सकते हैं, ये हमारे टू रो है, कॉलम्स आए जी फाइव और ब्रैकेट क्लोज। हमने इसको हम टाइप भी कर सकते हैं जी टू कॉलन साइन शिफ्ट के साथ जी फाइव, अब हम ब्रैकेट हमारा क्लोज पहले से है, एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं हमारा 70.5 निकल के आ गया है एवरेज। इसी तरह हम यहां कर्सर रखेंगे किसी सेल में या यहीं से हम सिलेक्ट करेंगे इजू का दूसरी सॉलिड की हमारी कंटॉप प्लस ए, तो पहले हम क्या करेंगे एवरेज लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए वी आर ए जी, ये हमारा सो हो गया है। इसको हम टैब प्रेस टैब का प्रयोग करेंगे और हम कीबोर्ड में कंटॉप ए प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं हमारा इंस्टेंट फंक्शन का एवरेज का बॉक्स ओपन हो गया है। हम यहां से ड्रैग करेंगे, हमें क्या करना है, हमें जी टू, ये हमने जी टू से जी फाइव ले लिया है, हम क्या करेंगे इसको यहां से लेकर के इसको ड्रैग करके हमने सिलेक्ट कर लिया है और हम क्या करेंगे इसको हम ऐसे करेंगे बॉक्स पर क्लिक करेंगे, दे सकते हैं जी थ्री कॉलम साइन जे थ्री, हम क्या करेंगे ओके पर क्लिक करेंगे तो दे सकते हैं हमारा वैल्यू निकल के आ गया है, एवरेज निकल के आया है इसका, किसका निकल के आया है इसी तरह हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू एवरेज एवरेज शो हो गया है, टैब का प्रयोग करेंगे जी टू, जी टू दे सकते हैं जी थ्री कॉमा लगाएंगे, ये हो रहा है नंबर वन क्लियर हो गया है कॉमा जी टू, जी टू सॉरी जी थ्री, जी थ्री कॉमा देख सकते हैं नंबर टू क्लियर हो गया, अब कॉमा लगाया जी थ्री, अब जी जी फोर कॉमा जी फाइव, जी फाइव दे सकते हैं और हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं हमारा
एवरेज निकल के आ गया है। इसी तरह हम दूसरा फॉर्मूला बताएंगे, इक्वल टू ये तो हमने रेंज में ले लिया है, अब हम एवरेज सो हो गया है टैब का प्रयोग करेंगे। अब हम जी टू दे सकते हैं, जी कॉलम ये हमारा टू कॉलम साइन शिफ्ट के साथ जे टू जे टू दे सकते हैं, जी टू से लेके जे टू हमने अमन का एवरेज निकालना है। और हम हमें निकालना है कॉमा लगाएंगे, ये हमारा नंबर वन क्लियर हो गया, कॉमा लगाएंगे जी टू क्लियर हो गया, जी फोर जी फोर तो ये प्राची का एवरेज निकालना है सभी सब्जेक्ट का, तो जी फोर से लेके कॉलम साइन जे फोर जे कॉमा जी फोर कॉलम साइन जे फोर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो दे सकते हैं हमने अमन का एवरेज ले लिया है, अमन का एवरेज निकालना है और प्राची का, और हम इसको कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं ये हमारा एवरेज निकल के आ गया है दोनों का। इसी तरह हम दूसरा फॉर्मूला बताएंगे, इजुकल टू एवरेज सो गया है टैब का प्रयोग करेंगे, जी थ्री जी कॉलम हो गया, थ्री हमारा रो हो गया तो दे सकते हैं जी थ्री शिफ्ट के साथ ब्रैकेट कॉलम साइन जे थ्री हमने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया ड्रैग कर लिया, कॉमा लगाएंगे नंबर टू दे सकते हैं जी फोर जी फोर इसको हम शिफ्ट के साथ कॉलम साइन जे फोर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीवर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं इसका भी एवरेज निकल के आ गया है। हम दूसरी सीट पर पहुंचते हैं, इसमें अलग से हमने एक और एवरेज के बारे में बताएंगे फंक्शन के बारे में, तो हम क्या करेंगे हमने कुछ ये लिखा है जॉन सेल्स यूनिट सेल्स अमाउंट, तो हमें इसका एवरेज निकालना है, क्या करेंगे हम एवरेज टाइप करेंगे इजुकल टू हमारा एवरेज ये सो रहा है टैब का प्रयोग किया। अब यहीं पर हम कंट्रोल ए कीबोर्ड में कंट्रोल ए प्रेस करेंगे
तो दे सकते हैं यहां पर एवरेज का बॉक्स ओपन हो गया है, तो हम यहां से हमें इसका निकालना है, तो हम इसका एवरेज लगाएंगे। इसको हमने ड्रैग करके नीचे लिया है C2 से C5, और हम ओके पर क्लिक करेंगे तो दे सकते हैं हमारा एवरेज निकल के आ गया है। इसी तरह हमें इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहां पर इसका एवरेज निकालेंगे। हम शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे ऑल्ट एम प्लस यू प्लस ए, तो दे सकते हैं कीबोर्ड एंटर प्रेस करेंगे, ए ऑटोमेटिक ने सिलेक्ट कर लिया है B2 कॉलन साइन B5, तो दे सकते हैं इसका भी एवरेज हमारा निकल आया है। हम क्या करेंगे दे सकते हैं, अब हम अगले उस सीट पे चलते हैं। हमें कुछ डेटा टाइप कर रखा है पहले से, ये हमारा सीरियल नंबर, क्लॉथ ब्रांड, ये प्राइस, इसका हमें एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे इसको हम इजुकल टू इक्वल टू देख सकते हैं। अब हम यहां से शिफ्ट के साथ, या फिर हम पहले एवरेज लिखेंगे, एवरेज ओपन हो गया है। अब हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, देख सकते हैं इसको हम इसको सिलेक्ट करेंगे C2 से लेकर C6, और हम इसको ओके पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारा एवरेज निकल के आ गया है। इसी तरह हम C2 पर हमने दूसरा फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, जैसे इजुकल टू एवरेज सो गया है। अब हम क्या करेंगे सी दे सकते हैं, ये हमारा सी कॉलम है, तो हम क्या करेंगे C2 कॉमा लगाएंगे C4 दे सकते हैं, कॉमा लगाएंगे नंबर 1 नंबर 2 दे सकते हैं, अब नंबर 3 C5। अब इसको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर, ऐसे भी हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं। हम C4 पर चलेंगे, यहां पर हमने कुछ नाम टाइप कर रखा है और सैलरी लिखा है, इसका हमें एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे पहले हम सम निकालेंगे, इजुकल टू सम टैब का प्रयोग करेंगे। अब हम
बी टू दे सकते हैं कॉलन साइन B5। हमने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है, तो हम डिवाइड का चलना है यानी स्लैश। हमारी वैल्यू कितनी लिखी है, 4, तो हम स्लैश के बाद 4 टाइप करेंगे और हम कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं ये हमारा एवरेज यानी कि सिंपल वाला मैथ फंक्शन वाला जो ये निकल के आ गया है। हम एक्स की सहायता से एवरेज फंक्शन निकालेंगे तो दे सकते हैं इज इक्वल टू एवरेज शो हो गया है यहां पर, इस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर हम टैब का प्रयोग करेंगे। अब हम B2, अभी हमने मैथ फंक्शन का यूज किया था, अब हम एक्सेल का सहायता लेंगे, एक्सेल का प्रयोग करेंगे B2 कॉलम साइन B5 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो दे सकते हैं एवरेज फंक्शन फॉर्मूला से भी हमारा एवरेज निकल के आ गया है। और दे सकते हैं यहां पर हमने एक सेल में कर्सर रखा तो दे सकते हैं हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहां से भी हम ले सकते हैं, दे सकते हैं एवरेज पे क्लिक, पहले से सिलेक्ट है ओके पर क्लिक करेंगे और हम इसको ड्रैग करके लाएंगे तो यहां पर हम क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके नीचे ले आए, दे सकते हैं B2 से B2 कॉलम्स आए B5 और इसको हम ओके पर क्लिक करेंगे तो दे सकते हैं इससे भी हमारा एवरेज निकल के आ गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।